इंडिया फर्स्ट पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 में भारत पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। मैं सामने ये बड़ा अपडेट, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे। उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करो और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्पोर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बिना टाइम इसके वीडियो शुरू करते हैं। एशिया कप 2023 अगले साल पाकिस्तान में खेला जाना है, लेकिन बीसीसीआई के सचिव जावेद साहब पहले ही कह चुके हैं कि टीम इंडिया के टूर्नामेंट खेलना पाकिस्तान नहीं जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी अगले साल भारत में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप में आने पर कई बयान सामने आए हैं। इन सभी के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीबीसी ने नए चेयरमैन नजर सेठी इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीबीसी ने समिति अध्यक्ष नजम सेठी ने कहा कि बोर्ड के अगले साल होने वाले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत के दौर पर सरकार की सलाह का पालन करेगा। जियो न्यूज पर बताया कि सेठी ने कहा कि पाकिस्तान और भारत क्रिकेट मुद्दे बोर्ड के नियम से बाहर होने और समकरण हमेशा उनका फैसला करती है। सरकार हमें जो की सुझाव देगी उनका पालन करेंगे और पिछले बार की तरह अध्यक्ष था, समय आने पर सरकार की सलाह मांगेंगे। नजम सेठी ने एशिया कप 2023 के मुद्दे में बात करते हुए कहा कि जहां तक एशिया कप 2023 का संबंध है, मैं एशिया कप के में जाऊंगा और देखूंगा कि स्थिति क्या है। हम एक निर्णय लेंगे जो खेल के बेहतर ही होता है। हम देखना होगा कि अन्य बोर्ड की स्थिति क्या है। हम सभी के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिसमें के अलग हो जाएं। नजम सेठी की पुष्टि की है कि पीबीसी कोचिंग आसमिट के मी के आधार पर संपर्क करना था, लेकिन हम कुछ भी तय नहीं किया है। उन्होंने कहा कि 8 और 10 दिन के कोच के बारे में फैसला करेंगे। टीम इंडिया साल 2008 में बात के पास पाकिस्तान खेलने नहीं गई। साल 2008 में पाकिस्तान के लिए एशिया कप भारतीय टीम आखिरी बार गई थी। दोनों पड़ोसी देश आखिरी बार 2012 में सीमित ओवर की फुटबॉल सीरीज खेली थी। पाकिस्तान ने 3 T20 इंटरनेशनल और इतने ही वनडे मैच भारत के लिए यात्रा की है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार भारत के दौर पर मना की जाती थी। दोनों ही के बीच अलग अलग सारे एक मुकाबला खेलने को देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया वनडे वर्ल्ड कप खेलने आएगी या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताएगा। साथ ही इस तरह के इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।